आती है 6:30 बजे, 15 वर्षीय बच्चे का किडनैप हो जाता है। किडनैपिंग में नाम आता है रोहतक जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू डागेपति, राज्य सरकारी का जो गैंगस्टर रहे हैं, और उसका नाम आने के बाद जो है पूरा गांव इकट्ठा होता है, शिकायत दी जाती है, आनंद फार्म में पुलिस भी पहुंचती। नमस्कार, इस वक्त इस्माइला गाँव में हम खड़े हैं और इस्माइला गाँव में आज सुबह सुबह एक सूचना आती है 6:30 बजे 15 वर्षीय बच्चे का किडनैप हो जाता है। किडनैपिंग में नाम आता है रोहतक जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू डागेपति, राज्य सरकारी का जो गैंगस्टर रहे हैं, और उसका नाम आने के बाद जो है पूरा गांव इकट्ठा होता है, शिकायत दी जाती है, आनंद फार्म में पुलिस भी पहुंचती है, पुलिस भी जो है बड़ी संख्या बल में यहां पहुंचती है। तो फिलहाल पार्षद प्रतिनिधि मेरे साथ हैं, विकास जो इस गांव के सरपंच है प्रतिनिधि वो भी हमारे साथ हैं। पूरा मामला क्या हुआ और क्या किडनैपिंग के वक्त राज्य सरकारी वहां था, क्योंकि ये दो बड़े सवाल है, एक तो राज्य सरकारी का मौजूद होना और दूसरा किडनैपिंग होना, दोनों ही अपने आप में एक बड़े सवाल जो है वो खड़े कर रहे हैं। पहले एडवोकेट साहब, पार्षद साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये पूरा मामला था क्या और हुआ क्या था, जो मतलब राज्य सरकारी चेयरपर्सन के जो प्रतिनिधि हैं, उसके पति हैं, उनके ऊपर जो आरोप है, ये पूरा मामला था क्या? पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। एक्चुअली हमने राज्य सरकार के खिलाफ ना अविश्वास प्रस्ताव दे रखा है, लगभग 5 तारीख को हमने अविश्वास प्रस्ताव दे दिया था और हमने उसका वेट भी किया, डीसी साहब क्योंकि इलेक्शन चल रहे थे तो उनके लिए भी काफी बिजी शेड्यूल था, फिर भी हम हाईकोर्ट से स्पेशल तारीख लेकर आए कि हमारा जो अविश्वास प्रस्ताव उसको जल्द से जल्द किया जाए। अब उसके लिए हमें जो डेट मिली डीसी साहब से वो परसों 23 तारीख की मिली थी 11 बजे की, जिसमें डीसी साहब के अध्यक्षता में हमारा जो इलेक्शन होना था और हम अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ देने वाले थे। अब उन्होंने अपने जितने भी घोड़े दौड़ाने होते हैं, जितने भी प्रयास करने होते कर लियो, सभी 10 पार्षदों को पूरे, कभी पंचायत लेके, कभी कोई खाप लेके, कभी कोई रिश्तेदार लेके, वो बार बार कह रहे थे जी हमें इस बार और रखने दो, एक मौका और दे दो, क्योंकि 2 साल से भाई अभी तक आज तक हमारा कोई काम नहीं हुआ इस गांव में, कहीं पे भी सिंगल पैसे का काम नहीं हुआ है। तो हमने उनको बोल दिया भाई जब मेरा 2 साल में काम नहीं होता हम आगे आप पे भरोसा कैसे कर लें, तो मेरे से तो आप वोट मांगो ना मांगो कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं आपकी वोट नहीं दूंगा। तो हो सकता है उसको इस बात से खुनक होगी, वो खुंदक होगी कि भाई ये मेरी वोट नहीं डाल रहे हैं और कोई तरीका नहीं मिला, तो क्यों ना उसके बच्चे को किडनैप करके उनको मेंटली टॉर्चर किया जाए और उनको फोर्स किया जाए उनके पक्ष में वोट डालने के लिए। अच्छा, ये घटना किस वक्त की है, किडनैपिंग की घटना? ये सुबह लगभग 6:30 से 7 बजे की बात है, जब बच्चा बाइक पे जा रहा था तो उसकी बाइक को उन्होंने टक्कर मारी है और फिर उसके बाद उसको गिरने के बाद उसके 2 आदमी उठा के अंदर उसको गाड़ी में डाला है और राजेश सरकारी खुद उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। मतलब जिस गाड़ी ने टक्कर मारी और जिस गाड़ी में उठा के ले गए, क्या उस गाड़ी में राजेश सरकारी? बिल्कुल राजेश सरकारी, क्योंकि मेरा बेटा वो हमारे घर में काफी बार आया है और हम भी मिलते रहते, एक परिवार की तरह थे हम तो वैसे तो, लेकिन उन्होंने परिवार वाला काम नहीं छोड़ा। तो इस किडनैपिंग के पीछे क्या मंशा जाहिर की, कोई फोन वो ना आया किडनैपिंग के बाद आप लोगों के पास? बिल्कुल, उनको लगभग 3 से 4 बार कॉल आए मेरी मिसेज के बाद, बच्चा रो रहा था, उसको कह रहे मम्मी मेरे आप मेरे को मार देंगे ये, आप घर पे रहो, आप गांव वालों को कह दो कि वापस चले जाएं, आप पुलिस से अपनी कंप्लेंट वापस ले लो, ये सारी चीजें उन्होंने बच्चे को बार बार फोर्स किया कि आप ऐसा बोलो, और उन्होंने उसको फोन मिलाकर उसकी मम्मी को दे रहे थे बार बार। अच्छा, मतलब मम्मी से बात करा रहे थे बेटे की? हाँ जी हाँ। तो आपको बच्चा फिर कहाँ मिला, कहाँ से बरामद की हुई? बच्चा हमने यहाँ पे अभी जो मेरे को सूचना मिली, क्योंकि मैं खुद बाहर था और मैं 4 से 5 घंटे में यहाँ पे आया हूँ, अभी आया हूँ लगभग 1 घंटा पहले, तो वो क्योंकि मेरा परिवार था, मेरा सारा गाँव था और मेरे गाँव से बड़ा तो कोई परिवार हो नहीं सकता, तो मैं ना होते हुए मेरे गाँव ने, भाई विकास है, मुकेश जी हैं, टीनू चेयरमैन जी हैं और मेरे गाँव के जितने मौजूद आदमी थे उन्होंने सारा मोर्चा संभाल रखा था, अपनी जिम्मेवारी ले रखी थी और सब कुछ वही कर रहे थे उस टाइम। अच्छा, हाँ। तो गाड़ी में कौन कौन, किसी की कोई पहचान हुई भाई? राजेश सरकारी, दो ही बंदों की हुई है, राजेश सरकारी और उसके साथ एक लड़का हार्दिक है, उन दो की पहचान हुई है। दो की पहचान हुई है, हाँ। तो पुलिस में शिकायत दे दी आप लोगों ने? पुलिस में ऑलरेडी, पुलिस ने खुद डीसी साहब ने बच्चे से अपना उनका बयान लिया है और बाकी अभी हम जाएंगे, जो भी हमें आगे निर्देश है तो कोर्ट में जाकर उनका जो मुकदमा दर्ज कराना वो करवाएंगे जी। अच्छा, उसकी तैयारी अभी चल रही है? हाँ जी हाँ जी। तो आप लोगों की राज्य सरकारी उनके परिवार से मंजू उड्डा से कोई बातचीत हुई कि आपने इस घटना को अंजाम दिया कुछ इस नहीं तरीके मैंने की फोन किया था कल, उनके एक बंदे का फोन आया था मेरे पास, मास्टर जी एक मौका और दे दो, मैं भाई वो लड़का उठवा दिया उसने छुटवा दिया, मैं कहा ऐसे वोट मिलती है क्या, बोला मास्टर जी मेरे को पता नहीं मैं तो बाहर हूँ। फिर मंजू मैडम का फोन आया था घर पे, तो उनकी मिसेज को उसने कहा भी मेरा क्यों नाम ले रहे हो, तो भैया तुम्हारा हस्बैंड उठाने में तो और किसका नाम लेंगे भाई, आपका भी नाम लेंगे, आपके हस्बैंड का नाम लेंगे और किसका लेंगे हम। मतलब इसके पीछे वोट का रोड़ा है, जो अविश्वास प्रस्ताव उसकी एक वोट का मामला भाई है। आप तो हर मीटिंग में आते हो, आपको पता है रोड़ा तो जिस बात का, रोड़ा वोट का ही है और वो चाहते हैं कि भी हम सारे काम भी करें, लोगों के काम भी निकले और हम चेयरमैन ही बने रहे, ऐसा तो शायद पॉसिबल नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी आपको लोगों को पुलिस की तरफ से कोई सुरक्षा वगैरह दी गई है जिस तरीके की? ऐसी अभी कोई सुरक्षा नहीं दी गई है, बाकी एक बार जाके बात करते हैं पुलिस प्रशासन से, वो क्या सोचते हैं, हमें सुरक्षा की जरूरत है कि नहीं है, वो तो उनको देखना है।
ठीक है, तो मेरे साथ गांव के सरपंच प्रतिनिधि हैं, विकास है मेरे साथ, और अभी पंचायत हुई थी और पंचायत में इन्होंने भी एक निर्णय लिया है कि जो ये पंचायत है इसके बाद राज्य सरकारी का इस गांव में हुक्का पानी बंद करने की बात जो है इन्होंने पंचायत में कही है। तो विकास क्या था मतलब हुक्का पानी बंद कर देना, क्योंकि अभी तक पुलिस का कोई डिसीजन आया नहीं है, क्या आप लोग उस मौके के साक्षी हो जिसमें आपने देखा हो कि अभी राज्य सरकारी या उसके लोग जो उसको उठा के ले गए, कोई गवाह है इस बात का, क्योंकि ये लोग मीडिया में चलेंगे फिर बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। हमारा बेटा है वो 14-15 साल का है, घर पे राजे सरकारिया कई बार आना जाना था, क्योंकि ये पहले भी इन्हीं के ये भी पार्षद हैं, वो अपना चेयरमैन है, तो मंजू उड्डा के साथ राजे सरकारी कई बार पार्षद साहब के घर भी आया हुआ है, तो बेटा अच्छे से पहचानता है भैया, और वो खुल के जब वो बता ही रहा है तो उससे बड़ा शख्स और क्या होगा। और इसी को इतनी शर्मनाक घटना जो उसने करी है, तो पूरे गांव के आसपास के मौजूद सारे हमारे गवांडों के सरपंच सारे पार्षद भाई सब ने मिलकर एक पंचायत ने फैसला लिया भाई इस टाइप का जो आदमी है जो इस प्रवृत्ति का है उसको हमारे गांव का माहौल खराब करने में तो और ज्यादा कितना कितना बढ़ावा में लगा, तो इसीलिए हमने सब ने मिलकर एक फैसला लिया तो कि ऐसे आदमी का सामाजिक तौर पर बहिष्कार होना चाहिए, उसका पानी बंद होना चाहिए, जो भी गांव में बुला होगा और उस पर भी जुर्माना करेंगे, फिर अगर कोई गांव में बुलाता भी है तो उस पर भी जुर्माना करेगा गांव। अच्छा, पुलिस की जो कार्य प्रणाली है उसे संतुष्ट है गांव भाई? पुलिस की कार्य प्रणाली से उन्होंने हमसे समय मांगा है, हमने तो कुछ ना कुछ ज्यादा ही समय दिया कि 24 घंटे का कल का पूरा दिन दिया उनको आज का भी, और इसमें अगर वो कार्रवाई करते हैं और अपराधियों को पकड़ते हैं तो ठीक है, ना तो परसों फिर गांव राम कोई ना कोई बड़ा फैसला लेगा, चाहे हमने कोई रोड जाम करना पड़ो चाहे कोई और इससे भी आगे कितने कुछ करना पड़ो। अच्छा, पुलिस को जो शिकायत दी है उसमें बाय नेम शिकायत दे रखी है, और ये तो देखो विषय है जो प्रशासनिक विषय है, इसका तो आपने थाने से पता लगेगा, पर जो भी हमने जो एक हमारे बेटे ने जो हमें एक साक्ष्य के तौर पर जो हमारा बेटा ही बताने लग रहा है तो उसमें और क्या साक्ष्य रहेगा। और हम इस घड़ी में पूरा गांव पूरा गवांड पूरा भाईचारा जगवीर भाई के साथ खड़े हैं, और कोई ना कोई इस मजबूती के साथ अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो कोई बड़ा फैसला लेने का काम करेगा। ठीक है, तो इस वक्त इस महिला गांव में थे, ये पार्षद प्रतिनिधि है और ये सरपंच प्रतिनिधि है, गांव की पूरी पंचायत हुई और पंचायत में निर्णय जो है वो लिया गया, 24 घंटे का टाइम पुलिस प्रशासन को दे दिया गया है, कल का पूरा दिन, परसों सुबह जो है ये पंचायत दोबारा होगी, अगर पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं करती है, और पुलिस अपनी कार्रवाई करती है तो इनकी डिमांड है कि जो दोषी हैं जिनका नाम जो है वो लिया गया है उनको गिरफ्तार किया जाए। बाकी पूरा मामले के लिए अगर कोई और पहलू निकल के आता उसकी अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, शुक्रिया, धन्यवाद। सर, मेरा नाम एडवोकेट जगबीर खत्री है और मैं जिला पार्षद नीलम है उसका हस्बैंड हूँ। ये क्या एपिसोड था पूरा का पूरा? सर, ऐसा है कि हमने जब मंजू हुड्डा जी को, जो राज्य सरकार की वाइफ है, उनको पूरे गांव ने इकट्ठा होकर, गांव ने मेरे को निर्देश दिया था तो भाई हमने चेयरमैन उसको बनाना, क्योंकि वो कह रहे जी हमारी 200 आदमी की जान बच रही है, 300 की हमारी जिंदगी सुधर जाएगी, तो हमने गांव राम ने जो हमें आदेश दिया हमने उसको फॉलो किया और हमने उसको अपनी वोट दे दी जी। उसके बाद अगले 2 साल उन्होंने हमारा आज तक कोई भी सिंगल मेरे गांव में कहीं काम नहीं किया उसने, फिर भी हमने वो किया। अब समय आ गया, सभी पार्षद साथी उससे, उसके साथ 13 थे, 13 में 10 उससे नाराज हैं और हमने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दे रखा है। अब कल भी उनके एक बंदे का मेरे पास फोन आया था, मास्टर जी एक गलती हो गई, बीप को छोड़ दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं भाई काट की हंडी हुआ एक का बच्चा डैक रहे, हम बार बार नहीं कर सकते, मेरे को भी अपने गांव राम को जवाब देना है, जिन लोगों ने मेरे को बना के भेज रखा, अगर मैं काम नहीं करवाऊंगा हमारे जिला पार्षद नहीं करवाऊंगे तो फिर फायदा क्या उस चीज़ को बनने का? तो फिर वो कभी प्यार से बोलते, कभी वो धमकी देते, मैं धमकी तो भाई मरना तो सब न है, मरने से डरेंगे तो फिर ये समाज किस जाएगा, गांव राम किस जाएगा मेरा? तो मेरे लिए पहली ड्यूटी मेरे गांव के लिए है, उनका काम करवाने मेरी ड्यूटी थी, और ऐसी शक्तियों से ना तो हम ऐसी स्टाफ की धमकियों से डरते ना ऐसे गैंगस्टर से डरते हैं। वो परसों हमारा अविश्वास प्रस्ताव है, हमारा विचार ये था कि भी वो बार बार हमारे 10 पार्षद साथी हैं किसी भी घर बैठ जाते हैं, दो दो चार चार पांच पांच घंटे गलती होगी जी गलती होगी, तो इस बीमारी से बचने के लिए हम सब पिछले लगभग एक हफ्ते से हम बाहर गए हुए थे, सिर्फ इसीलिए कि भाई क्यों रोज रोज गांव के आदमी आएंगे उनको मना करेंगे कोई नाराज होगा, तो हम उस समाज के लोगों से बचने के लिए कि बार बार वो नाराज होगा कोई परिवार का सदस्य से, बढ़िया ये कि हम दूर चले जाएं। अच्छा, अभी पुलिस ने क्या एक्शन लिया इस मामले में? पुलिस ने, हमने एसपी साहब को पहले भी स्पेशल ये बोला था कि जी हमारे 10 पार्षद हैं उनके और उनके परिवार को राज्य सरकारी से खतरा है, आप उन पर थोड़ा सा टाइट करो, आप उनके, उन्होंने हमें यही कहा था एसपी साहब ने कि आप हमें प्रूफ दो, मैं उसी दिन उसको उठा के अंदर डाल दूंगा। आज मेरे बेटे को उठाने में वो खुद गाड़ी में बैठा था, तो इससे बड़ा प्रूफ मुझे नहीं पता क्या चाहिए उनको। नहीं, फिर पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया? नहीं, मुकदमा तो दर्ज अभी, मैं तो रिसेंटली मैं बता रहा हूँ ना कि मैं तो बहुत दूर गया था, मैं तो 400-500 किलोमीटर दूर था, मैं सुबह निकला था, अभी पहुंचा मैं यहाँ पे, तो सारी कार्रवाई मैं देखूंगा, और जो नहीं होगा तो फिर उसके लिए मेरा गांव खड़ा है मेरे साथ, मेरा गवांड खड़ा है, मेरे सारे पार्षद साथी खड़े, मेरा सारा परिवार खड़ा है, मेरे रिश्तेदार खड़े,
वो चीज़ नहीं होगी तो जो हमें गांव राम जो निर्देश देगा हम वो फॉलो करेंगे उनके खिलाफ। किडनैपिंग का जिक्र क्या कि वो खुद था, वो कौन? वो राज्य सरकारी जिस गाड़ी में मेरा बेटे को उठा के ले गए उसकी बाइक को उन्होंने टक्कर मारी है, वो गिर गया है, उसको उठा के गाड़ी में डाला है और वो खुद उसको किडनैप करने में आया उसके साथ। वो बार बार घर पे फ़ोन करा था, मम्मी तू ये मत कर दिए, मम्मी तू इसकी वोट डाल दिए, इसके खिलाफ नहीं जाना है। वो बार बार इसी चीज़ की धमकी दे रहा था कि भी डरा दो वो हमारे खिलाफ वोट नहीं डालेंगे। हमारे बेटे का कुछ होगा चाहे परिवार के किसी के सदस्य का हो गया, राज्य सरकारी का नाम बेशक आप लिख लो इब्बे उससे का और किसी चल वो तो हो गया विकास खतरी। विकास जी आज पंचायत हुई गांव में किस विषय में हुई? आज जो हमारे पार्षद हैं जगबीर जी उनके लड़के का किडनैप हो गया था सुबह, उसी मामले में सारे पार्षद आसपास के सरपंच साथी और पूरा गांव इकट्ठा हो गए, पंचायत उसी मामले में करी गई। क्या फैसला लिया गांव ने, सारे पंचायत ने सारे भाइयों ने मिलकर फैसला लिया कि 24 घंटे का टाइम प्रशासन को दिया जाए, जो जो इस घटना के पीछे थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उनकी गिरफ्तारी की जाए। और एक सामाजिक बहिष्कार की बात की, किसका सामाजिक बहिष्कार? 24 घंटे का तो पुलिस को टाइम दिया गया है, अगर नहीं होगी तो गांव राम दोबारा परसों इकट्ठा होगा, बहुत बड़ा कोई ना कोई सख्त फैसला लेगा। और पूरे गांव ने जो राज्य सरकारी जिसका इस घटना के पीछे नाम आ रहा है उसका पूरे गांव ने बहिष्कार कराया है, गांव में उसका हुक्का पानी बंद है, जो भी गाँव में उसने बुला होगा तो उस पर ग्राम पंचायत उस पर भारी जुर्माना करने का काम करेगी। ये जिला परिषद के जो चेयरमैन है उनके हाँ उनके पति है। ठीक है, ये सुबह क्या घटनाक्रम हुआ था, तो बेटा कहाँ गया था? सुबह जी उखाड़े में जा रहा था बाइक लेके और मैं सोनीपत जाऊँ थी, अतः नहीं बोला मम्मी वापस आ जाओ, मैंने बोला बेटा क्या हो गया, तेने स्कूल में नहीं जाना? नहीं बोला मम्मी वापस आ जाओ, मैं किसी ने उठा लिया ना, आप वापस ना होगे ना ये मैंने मार देंगे। और फिर उनमें एक बंदा और भी बोला था, उन्हें बोला जी आप अपने घर आ जाओ, जो छोरे ठीक ठाक चाहो ना तो इसने मार के भेजेंगे। तो फिर कितने बजे वापस आया? वो नंबर मैंने पुलिस से भी दे दिया था, फिर वो कदे स्विच ऑफ हो जा था, कदे वो खुल जा था मेरे दुराव था, फिर मैं मिलाऊं थी तो दोबारा फिर स्विच ऑफ हो जा था। आप जिला पार्षद भी हैं जी, क्या अविश्वास प्रस्ताव भी चल रहा है? अविश्वास प्रस्ताव दे रखा है जी, 10 पार्षद दे रखे हैं। उन्होंने कोई नाम नहीं बताया, कौन बोल रहे हैं? उन्होंने नाम नहीं बताया जी, उस फोन पे बाबा लिखा हुआ था, बाबा लिखा हुआ था और उस पर डीपी भी लाग रही थी, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट लिया था अपने फ़ोन में, वह डीपी फिर मिली को ना मैंने देखी थी, डीपी ख़त्म हो गया अपने आप। कितने घंटे तक आपके बेटे को रखा? 6:30 बजे 7:45 बजे की बात है जी, और वो फिर आया थाने, मैंने ना बेरा कितने बजे आया घर तो ही आया था, 3 से 4 घंटे। तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने आश्वासन दिया है जी जो कार्रवाई होगी करेंगे। ठीक है, बेटा वापस कब बसी आया था, कितने बजे? 3 से 4 घंटे बाद आया था जी। 3 से 4 घंटे बाद कहाँ गया था? लगभग लग नाम तवे खुल रहे हैं सारे, छोरे नहीं पता जी, और वो हम नहीं पेरा है और पुलिस वाला नहीं पेरा है, ईवरे की कार्रवाई के उन पकड़ने की 24 घंटे का टाइम दे दो, और 24 घंटे में काल के दिन में अगर वे को पकड़ा झगड़ी नहीं करते तब परसू कट्ठे हो गए, कोई न कोई कड़ा फैसला ले लो, चाहे हमने रोड जाम करना पड़े, चाहे हमने रेल रोकनी पड़े, चाहे गांव राम ने कोई न कोई सा फैसला लेना पड़ेगा, जिस तो मजबूती मुँह दिखा वे समाल में कोई किसी हरकत आगे को बार गा करती आना बच्चे। मेरा सुझाव है एक दिन का टाइम प्रशासन ने दे दो, एक दिन में काल में सांस दी, परसू तड़के इसका टाइम टेक लो, परसू फिर कट्ठे होगा कोई ना कोई बड़ा फैसला करेंगे। काल तो है भाई नू है, कोई उड़ जा रहा है नू जा रहा है, उसके सब कुछ नाम नूम तो सारे खुल रहे हैं, ये तो मेन है प्रशासन पर दाब, अगर दाब तेरी काम राम ये सीआईडी वाले भी आड़े भाई खड़े हैं, ये बता देंगे अपने पुलिस अधिकारिया दे, काल का टाइम है, काल पकड़ते होंगे तो ठीक से, ना तो परसू तड़के तड़क चाहे रोड जाम करे चाहे रेल जाम करे चाहे कुछ भी करे, बड़ा फैसला होगा, हम राम इकट्ठा होगा सारा मिल के लेगा भाई इस चीज में से हम सो सारे। तो यही बेचू करे जगबीर ने भी एक बार छोरे गए अपने बोल बतला गए, इसके 164 के बयान भी कराने हैं, सारे भाई तड़के आ गए, सारा काम राम उड़े सारे खड़े थे भाई की गल्ला है, ये 5-7 जने जाके एक बार 164 के बयान मजिस्ट्रेट आगे होने हैं, ईश्वर के बयान करा दिया, काल का टाइम देख लिया, परसू का तड़के 10 बजे का टाइम देख लिया, हाँ अड़े स्कूल गए, अगर काल
वो पकड़ा तकड़ी कर ली तो सारे काम राम ने बेरा है। अरना परसू का अड़तड़ के 10 बजे इकट्ठे हो गए सारे काम राम मिलकर, और भैया नहीं बुलाओगे सारे, और हमारे सरपंच साथी सारे पार्षद भाई है, और आने भी लेगा को बड़ा अच्छा बढ़िया।